हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बताते हैं सिंगाड़े की लपसी, या आप बोलते हो कतली, कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये आधी कटोरी सिंगाड़े का आटा लिया है, एक कटोरी चीनी है और ये दो चमचे वाला है देसी घी। चलें तो बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ गैस पे कढ़ाई रख दी है और गैस कर दी है ऑन। अब हम ये देसी घी इसमें ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने घी ऐड कर दिया और ये गर्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे किनारे वाली प्लेट ली है, आप देख सकते हैं, और जितने हमारे घी गर्म हो रहा है इतने इसे ग्रेस कर लेते हैं। तो ये हमें घी लगा के ग्रेस करनी है। फ्रेंड्स, देसी ही घी होना चाहिए क्योंकि हम व्रत में बना रहे हैं। देखिए, हमारा घी गर्म हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। और इसमें अब हम डालते हैं ये सिंगाड़े का आटा, ये देखिए, और इसे चलाते हुए हम भूनेंगे। इसी तरह भूनना है फ्रेंड्स, ताकि नीचे ना लगे, जब तक कि ये सुनहरा ना हो जाए। और गैस को रखेंगे मीडियम। तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह आटा चलाते हुए भूना है, आप देख पा रहे होंगे। ये तो ये चेंज हो गया है, आप देख सकते हैं इसका कलर। और इसे अब हम एक बर्तन में खला देते हैं, यानी कि इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, हमने ये थाल में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे अब हम बिल्कुल ठंडा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, हमारा यहाँ पे आटा ठंडा हो चुका है और यहाँ पे लिया है हमने बाउल। अब हम थोड़ा सा आटा करेंगे इसमें और थोड़ा सा गिरेंगे हम पानी। यहाँ पे हमने गर्म पानी लिया है और इस आटे को घोलेंगे ताकि लम्स ना पड़े। तो फ्रेंड्स, हमें पानी गिरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आटा थोड़ा थोड़ा करके इसका घोल बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, देखिए, हमने यहाँ पे सभी आटा घोल दिया है। वही कढ़ाई हमने गैस पे रख दिया और गैस कर दिया ऑन। तो अब हम इसमें 1.5 गिलास डालते हैं पानी, ये देखिए, हमने पानी यहाँ पे डाल दिया है। और जो हमने चीनी ली थी वो ऐड करते हैं और इसमें एक उबाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, हमारी यहाँ पे चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे, और एक उबाल आ भी चुका है। अब हम ये आटा डालते हैं इसमें थोड़ा कर कर के, ये देखिए, हमने थोड़ा सा आटा डाल दिया है, ये देखिए, और इसे करते हैं मिक्स। और फिर थोड़ा सा आटा डालते हैं और फिर इस तरह चला देंगे ताकि कोई लम्स ना पड़े। तो फ्रेंड्स, हमें ये सारा इसी प्रोसेस की तरह है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं, यहाँ पे ये हमारी कतली के लिए तैयार है। अब हम इसे फ्रेंड्स जिस थाली में हमने घी लगाया था, अब चलें उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए, हमारे यहाँ पे ये बड़ी थाली है, हमने वो छोटी थी तो हमने बड़ी थाली में घी लगा लिया है। अब हम इस थाली में इसे करते हैं। देखिए, हमने यहाँ पे ये सभी कर दिया है। अब हम इस से पलटी से फैला देते हैं, ये देखिए, या आप थाली को इस तरह भी हिला के कर सकते हैं तो ये सारी थाली में अच्छे से फैल जाएगा। और ऊपर से कर देते हैं सेट और इसे ठंडा होने देते हैं, घंटे के लिए ठंडा होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, हमारे यहाँ पे ये लपसी यानी कि कतली ठंडी हो चुकी है। अब हम इनमें कट करते हैं, कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से कट रही हैं। फ्रेंड्स, अब हम प्लेट में लगाते हैं खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, देखिए, हमारे यहाँ पे सिंगाड़े की कतली यानी कि लपसी बनके तैयार हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।